सोयाबीन की फसल का दाम सही नहीं मिलने से आलू कृषि उपज मंडी के बाहर किसानों ने हंगामा कर दिया। वहीं किसानों ने रोड जाम कर नारेबाजी की। वहीं किसानों ने बताया कि आज जब पहले चरण में सोयाबीन नीलामी हुई तब 5000 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव से बिक रही थी, लेकिन जब बाद में दूसरे चरण में व्यापारियों ने सोयाबीन नीलामी चालू करी तब सोयाबीन का भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ही रह गया। वहीं किसानों ने बताया कि व्यापारी उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आलोट का मेन रोड जाम हो गया जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। वहीं यातायात प्रभावित होते देख आलोट थाने में पदस्थ ASI पंकज राजपूत अपनी टीम के साथ पहुंचे व किसानों को समझाइश दी। वहीं इसी बीच आलोट नायब तहसीलदार मुकेश सोनी भी पहुंचे व सभी किसानों को समझाइश देकर यातायात फिर से चालू करवाया। वहीं मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष लोकेश झंडी ने बताया कि जिन किसानों के सोयाबीन फसल में नमी है उसी को कम भाव में व्यापारी खरीद रहे हैं। हमने जब चेक करवाया तो सोयाबीन में 30% की कमी आ रही है, बाकी जो सोयाबीन सूखा है वह हम बराबर उसको खरीद रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये अगर मान लिया जाए कि 10% माल गीला है तो 5200 के हिसाब से आप 100, 125, 150 जो भी आपके बनते हैं वो पैसे काट के दिया जाए। अगर मिट्टी दिख रही है आपको तो 5% 10% मिट्टी हर सोयाबीन में आती है तो सर उस हिसाब से 5-10 रुपये कम दिया जाए, 5000 तक भी चलेगा। अगर मान लिया जाए कि 3800 बिक रही है सोयाबीन, ये परसेंटेज रहता है ना सर, इतना परसेंटेज अभी नीलाम जैसे चालू।